नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की बिग ब्रेकिंग अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर। दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी खबर बताएंगे। वहीं दोस्तों हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको खबर बताते हैं। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी के हाथ से एक और राज्य जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, असम में कांग्रेस ने सीएम को दिया नई सरकार का फॉर्मूला, आपको बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी के लिए नई साल की शुरुआत कुछ अच्छी साबित नहीं हुई है। एक तरफ सीएए तो दूसरी तरफ एनआरसी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं झारखंड इलेक्शन रिजल्ट में भी जोरदार हार ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी के हाथ से एक और राज्य खिसक सकता है। दरअसल असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी छोड़ने और उनकी पार्टी के समर्थन से नई सरकार बनाने की पेशकश की है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस एक बार फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैकिया ने कहा कि नई सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम और बीजेपी विरोधी होगी, नई सरकार बनाने में कांग्रेस करेगी मदद। दरअसल सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद असम कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि अगर सोनेवाल अपने एमएलए के साथ बीजेपी छोड़ते हैं तो उनकी पार्टी सरकार बनाने में सोनेवाल की मदद करेगी। इतना ही नहीं, नई सरकार में वह मुख्यमंत्री भी होंगे। कांग्रेस ने ये फॉर्मूला दिया है दोस्तों, आपको बताते चलें। असम में मौजूदा हालात यही इशारा करते हैं कि सोनेवाल को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कानून का विरोध जोरदार तरीके से हो रहा है। नागरिकता संशोधन को लेकर अपने 30 विधायकों के साथ निर्दलीय के रूप में सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी विरोधी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे और उन्हें फिर से सीएम बनाया जाएगा। सीएए की वजह से सोनेवाल को जोरदार नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से उन्हें विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता की माने तो सोनेवाल को लेकर नहीं बल्कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनता में नाराजगी है। ऐसे में सोनेवाल को कांग्रेस का प्रस्ताव मानकर बीजेपी छोड़ देनी चाहिए और असम के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर बीजेपी को लग सकता है एक और जोरदार झटका। आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।